झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा इलाके के रहने वाले सुजीत मुंडा भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मंत्री हफीजुल हसन आज सुजीत मुंडा एवं उनकी पत्नी को सम्मानित किया है। सुजीत मुंडा का कहना था कि हम प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री या किसी मंत्री से मिलकर सहायता ले, वहीं अब मंत्री लोग सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वह इस बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के हिस्सा होंगे। ये मैच अगले महीने 4 दिसंबर से शुरू होगा और 17 दिसंबर को समाप्त होगा। सुजीत मुंडा इस दौरान अपनी प्रतिभा से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीतते नजर आएंगे। सुजीत मुंडा के इस चयन से झारखंड के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वह इस बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के हिस्सा होंगे। यह मैच अगले महीने 4 दिसंबर से शुरू होगा और 17 दिसंबर को समाप्त होगा। सुजीत मुंडा इस दौरान अपनी प्रतिभा से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीतते नजर आएंगे। सुजीत मुंडा के इस चयन से झारखंड के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि सुजीत मुंडा आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं। वह राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। रांची शहर के धुरवा में ही उनका घर परिवार है। वह पहले भी भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा रह चुके हैं। इससे पूर्व भी वह भारतीय टीम के लिए ब्लाइंड क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। खेल के मैदान में उनका पिछली प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। उन्होंने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। सुजीत मुंडा के अनुसार उन्होंने वर्ष 2014 से क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया था। अब तक वह कई मैच खेल चुके हैं। क्रिकेट का यह शानदार सफर अनवरत जारी है। यही वजह है कि वह एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बन चुके हैं। वे खेल के मैदान में हर अंदाज में नजर आते रहते हैं। इस वर्ष वर्ल्ड कप खेलने को लेकर वह बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुजीत मुंडा इस वर्ष 2022 में साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेल चुके हैं। इससे पूर्व वर्ष 2020 में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच मैच खेल चुके हैं। इतना ही नहीं, वह दुबई में भारत पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के साथ भी मैच खेल चुके हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।